करेंगे और 10 बार इधर से, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट पैर आ गया, ये बॉडी की सिंपल वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद हम बेली फैट के लिए और थाई फैट के लिए करेंगे। सांस की इधर दिखाओ, सांस की एक खास बात बता दे, ठीक है। जब पैर को पेट के ऊपर लाएंगे तो पेट को स्क्विज करना है, स्क्विज करते समय सांस बाहर होनी चाहिए। ये देख लीजिए, फिर 50 बीमारियों का एक हल है बस ये। सांस के साथ अगर ये रनर्स करते हो, फेस कभी डल नहीं होगा आपका एक्सरसाइज करते हुए। तो 5 एक्सरसाइज हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे। पहले करेंगे मध्यम गति से, फिर इसको फास्ट कैसे, पलट के पैर को चेंज कर दिया। हाँ, राजबाला जी बैठे हुए हैं, इधर दिखा दो इनको भी राजबाला जी। तो राजबाला आप चेयर पे बैठ के कैसे करेंगे, इधर देख लीजिए। हाँ, राजबाला जी को, राजबाला जी आपके लिए बता रहे हैं कि जो लोग खड़े होके नहीं कर सकते वो आप करेंगे रनर के बजाय आप करेंगे जंप रोप। कैसे, पैर को भी उठाइए, वेरी गुड। अब आपका पेट भी दबेगा, आपकी थाइस भी एक्टिव हो जाएंगी, वेरी गुड। फिर से देख लीजिए एक बार, जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते। अरे वाह, सोनाली जी का कहना है मैम मैंने 18 kg लॉस किया है आपकी एक्सरसाइज से। तालियां भाई, वेरी गुड। 18 kg, नमस्कार जी, धन्यवाद। तो हम तो आपके लिए कर रहे हैं बस, आप हमारी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करते चलिए, बिल्कुल नई नई वीडियोस आपके लिए अपलोड किया करेंगे। तो आपने ये करना है राजबाला जी, ठीक है। जब आप थक जाओगे 20-20 सेकंड का एक राउंड ऐसे। और हम लोग कैसे करेंगे इसी एक्सरसाइज को, जिनके पैरों में दर्द है वो सिर्फ पादमूल जंप नहीं करना, जिनका वजन 90 किलो है घुटने में दर्द है बिल्कुल नहीं करना जंप, वो लोग कैसे करेंगे। इधर देखिए पैर, देख रहे हो आप पैर, देखिए मेरे पैर देखिए। तो इससे आपका एड़ी पंजों का दर्द, आपके थाइस की स्ट्रेंथ, ये सिर्फ हमारी भी वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी शुरू करेंगे हम मेन एक्सरसाइज। तो अभी तक मैंने 3 एक्सरसाइज बताई हैं, याद है। पहली एक्सरसाइज हमने बताया रनर्स, इसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करोगे। जिनके पैरों में दर्द है वो थोड़ा स्लोली। पहली एक्सरसाइज ये, दूसरा इसका एडवांस वर्जन जिनको बहुत जल्दी है वेट लॉस करने की, इसके साथ किक। तो इससे भी आपका थाई जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होगा, वेरी गुड। हाँ शैंपा, इस पैर को ऊपर की तरफ फेंके, इससे आपका ये थाई फैट, ठीक है, दूसरी तरफ से, वेरी गुड। तो ये आपको आज 20 एक्सरसाइज बताएंगे जो मॉर्निंग टाइम्स में आप बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। कैंप का हमारा 4th दिन है तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिले। डाइट हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये प्रैक्टिकल क्लास का टाइम है। तो इसमें मैंने 2 एक्सरसाइज बताई है रनर्स में, सिंपल। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो बस आप, ठीक है, फीवर में कर सकते हैं, हाँ जी थोड़ा स्पीड कम रखिए कर सकते हैं बिल्कुल, बस स्पीड कम रखिए। फिर दूसरी हमने बताया, ये बताया, ठीक है, हाई किक, हाथों से बैलेंस बनाते रहेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हमने बताया जंप रोप, अगर आप 30+ है थोड़ा जंप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेयर पे बैठ के आप क्या कर सकते हैं, इधर देखिए, आपको कभी भी सांस नहीं चढ़ेगा, आपको थकान नहीं होगी,
योग जबरदस्त है, जबरदस्ती नहीं। तो ये अलग अलग योग की वेरिएशन, इसे कहते हैं पादमूल शक्ति निकासक, पैरों के मूल भाग के लिए। लेकिन अगर दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर सकते, हमारी फोर्थ एक्सरसाइज हमारी ये, इससे आपका एड़ी पंजे का दर्द जाएगा, ठीक है। फिर हम इसी मिडिल पार्ट के नीचे थोड़ा सा और ऊपर चले, मिडिल पार्ट के लिए हमारा, हाँ बिल्कुल जी कर सकते हैं पीरियड्स में। अगर ओवरफ्लो है तब आप अपना स्पीड कम रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम नियो प्रोटेशन क्या होता है, हमने पहले बॉडी को रोटेट किया राइट साइड और फिर ये हो गई हमारी पांचवी एक्सरसाइज। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसे कम ज्यादा टाइम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं अच्छे से समझा दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए, जैसे ही हम पैर को ऊपर उठाते हैं ऑटोमेटिकली हमारी भूख कम होती है। जिन लोगों ने भी वजन कम किया उन्होंने यही कहा है, ऑटोमेटिकली भूख कम हुई है। पहले हम बहुत ज्यादा खा जाते थे, तुम भी मैं भी बहुत ज्यादा खा जाते थे, फिर धीरे धीरे समझ आया कि थोड़ा भूख से कम। पार्टी में लगी भी नहीं खाया जाता। हाँ अब ये असर पड़ता है कि पार्टी में जाके भी नहीं खाया जाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ी देर बाद ये ऐसा लगता है बस, इवन स्वीट्स भी खाना मुश्किल हो जाता है कि लगता है एक चम्मच पहले था कि ये भी टेस्ट कर लो वो भी टेस्ट कर लो, नहीं होता कुछ। 1, 2, 3, 4। तो इस एक्सरसाइज से आपका बेनिफिट्स, खास तौर से जो वेट लटक जाता है उस वेट को कम करने के लिए आराम आराम से इधर दिखाइए। अरे वाह, वेरी गुड, भूख में बहुत फर्क पड़ा है मैम। थैंक यू कोमल जी सपोर्ट के लिए, आपने बताया कि आपकी भूख कम हो गई है। बस आप अंतस योग के साथ जुड़े रहिए, चाहे आप 5 दिन के शिविर में आए हैं, चाहे आपका मंथली एडमिशन है, नई नई चीजें। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, इतने कंजूस मक्खी चूस लोग हैं, देख तो कितने लोग रहे हैं, लाइक बहुत कम ने किया है। ठीक है अभी बंद कर देते हैं, दो एक्सरसाइज और बता के इनको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना फिर। आगे सुनिए, फिर क्या करना है, इसी के साथ थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है, थोड़ा सा स्टेप आउट के साथ 1, 2, 3, 4, एक पैर को बाहर निकालना है। जिसको मुश्किल लग रही है वो फिर सिंपल, जो सिंपल करना चाहते हैं वो ये करेंगे, अदरवाइज इस स्टेप में थोड़ी सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह, एक और हमारा ऑनलाइन रिजल्ट्स दिखाते हैं हम आपको, बिल्कुल जुड़े रहिए, पता लगेगा। मेरा पेट लटका हुआ था, काफी स्किन सही हुई है, वेरी गुड। अरे वाह, राधिका जी के लिए तालियां, बिल्कुल, जो लोग ऐसा बिल्कुल शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। तो पेट का लटका हुआ यही वाली हमारी 15 एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी ये छठी साथी कुछ एक्सरसाइज है, तो जिनको प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक और सिंपल बता देते हैं। नेक्स्ट 7th या 8th एक्सरसाइज, इसमें हम दोनों हाथ थोड़ा ऊपर, जिनको फ्रोजन शोल्डर है ना, थोड़ा सा हल्का सा पहले खींच लीजिए। 1, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बीपी की टैबलेट चल रही हो, ये कोई पोस्चर नहीं है, सिर्फ हम अपने पोस्टिकल पेन को दूर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमने करना क्या है, दोनों हाथ पीछे रख के ये भी हमारा थाई फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें और ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं, तो 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर दोबारा 1, 2, 3, 4। हाँ राजबाला जी, आप चेयर पे बैठ के ये वाला करें, क्योंकि आपके भी आर्म्स हैवी है, बिल्कुल चिंता नहीं। हाँ इधर दिखाओ, आप करोगे ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर दोबारा, जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो मेरे को देख लें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस पैर को बिल्कुल सीधा पकड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
चेयर पे, तुम वॉल का सहारा लोगे, मैं चेयर पे बैठी हूं। हस्त पादांगुष्ठासन, 1 2 3 4 5। जिनका पैर मैं देख रही हूं कई लोगों का मुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही पकड़ ले, कोई बात नहीं। पैर के वेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 90 किलो का वजन है तो पैर सीधा नहीं हो सकता, अदरवाइज आपका पूरा सांस लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जो लोग चेयर योगा पे हैं मेरे को देखेंगे, बाकी इधर देखेंगे। नियक्स, ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ऐसे ही करनी है, बस आप इसके काउंट्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा। 1 2 3। जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम है वो चेयर योगा करेंगे, अदरवाइज ये एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल वॉल के सहारे लग जाइए आराम से, थोड़ा बैलेंस खराब नहीं होगा आपका और इससे और अच्छा स्ट्रेच आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ कमर पे, इसी में थाई जॉइंट्स को खोलने के लिए 1 2 10 बार करेंगे। 3 4 5। ये डायबिटीज वालों के लिए भी, क्योंकि जैसे हम पैर को ऊपर उठाते हैं हमारा नाभिक फैटी लीवर, और डायबिटीज के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग बिगनर्स हैं इसी को रिपीट करेंगे, अदरवाइज ये एक्सरसाइज दूसरे तरीके से मैंने दो तरीकों से और सिखा रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, किनारे पे आ गए, 1 2 देख रहे हैं, 3 4 5। हाथों को पूरा खोल के ताकि ये पूरा पैर घूम जाए एकदम। तो ये हमारी शायद 10वें या 11वें नंबर पे एक्सरसाइज है। हाँ फिर से करो, एक मिनट, इधर से तुम इधर से आ, इधर आना। अब क्या करेंगे देख लीजिए, 1 2 3 4। पूरे हाथ की खोल के स्ट्रेंथ लगाइए, पूरा सांस लीजिए। तो ये 20 एक्सरसाइज है जो बिल्कुल आपकी लाइफ बदल देंगी। बस ये कि अभी मुझे लेटने वाली एक्सरसाइज भी बतानी है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हो। इसको हम डायरेक्ट लाइव अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जब भी छुट्टी का दिन हो ये 20 एक्सरसाइज लेटेस्ट आज की डेट में देख लीजिएगा। तो एक तो इसकी ये वेरिएशन है, दूसरी वेरिएशन इसकी क्या है, मैंने सिखाया था इसको पहचान रखो कि मैट से आगे इधर आओ, जिसने रेस्ट लेने एक बार रेस्ट ले लीजिए, खाली देख लीजिए। 1 2 3 याद आ गया, 4 5 6। स्टेप्स के साथ लेग रोटेशन बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है, करने का आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपके पैरों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सांस लेते रहिए, सांस नहीं चढ़ना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कितना लंबा हूं फड़ा हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ये नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हैवी के बाद स्लो, स्लो के बाद फिर हैवी, ताकि कैलोरीज बर्न भी होती रहे, बॉडी भी एक्टिव रहे और बोरिंग स्टेट भी ना हो, ठीक है। उसके बाद पैरों को रिलैक्स करना जरूरी है, उसके लिए मैंने बताया था फिर से इसको इजी कर देती हूँ, सामने नहीं कर पाएंगे, इसको फिर से इजी कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2, 3, 4 इसका फास्ट वर्जन अभी बाद में बताऊंगी, पहले स्लोली जो बिगनर्स है वो समझ लीजिए। ये क्या राइट हैंड से 1, 2, 3, 4 जो फास्ट करना चाहते हैं इसी का एडवांस सबके लिए नहीं है क्योंकि हमारा चैनल ज्यादातर 50 प्लस देख रहे हैं लोग, उनके लिए अलाउ नहीं है। घुटना हिल जाएगा, घुटना हाथ में आ जाएगा, घुटना डिसलोकेट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में, हमने क्या करना है 1, 2, 3, 4 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर जैसी 8 आया योगा मेन नटराजन कार्डियो से योगा, योगा कार्डियो जिनका पेन है वो तो सिर्फ ऐसे होल्ड करेंगे। ये देखिए ये घुटना मिला रहेगा, पैर एक्टिव होगा यहाँ पे, उसके बाद हल्का सा इधर दो सहारा दो, हाथ पकड़ो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट लेके आप दीवार की भी ले सकते हैं, ये पकड़ा और ये 1, 2, 3 अब इसकी सपोर्ट से क्या हो रहा है, पैर ज्यादा ऊंचा उठ रहा है तो सपोर्ट से लेकिन पैर खुलना चाहिए। हाँ काउंटिंग बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर आओ। रिलैक्स। अभी आगे भी बतानी है, 20 सेकंड का रेस्ट। फिर उसके बाद साइड ट्विस्ट, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। अगर योग पे जाना चाहते हो आप सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, तो सामने सांस को भरना है, देख लीजिए। अगर आप योग पे जाना चाहते हैं वेरी गुड, जूम में जो भी हमारे बीच शिविर में आए वो ध्यान से करेंगे, क्योंकि 5 दिन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है कि हाँ जी बॉडी में ये स्टिफनेस है, बॉडी के जॉइंट्स कितने बंद हैं, कहाँ का सर्कुलेशन नहीं है। बाकी पूरी तरह ओपन करने में 356 जॉइंट्स को टाइम लगता है। तो अगर आप योगा पे जाना चाहते हैं तो ये सिंपल एक्सरसाइज है। गहरा सांस, कमर को ट्विस्ट कर दिया, लेकिन अगर कार्डियो पे जाना चाहते हैं तो वो होता है जंप ट्विस्ट। जिनके घुटनों में दर्द है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, घुटनों में जोर पड़ेगा, सिर्फ पंजे को चलाएंगे, देख रहे पंजे को पीछे हो जाओ जरा, अदरवाइज ये स्टेप होता है। घुटनों में दर्द है बिल्कुल नहीं करेंगे, घुटने के दर्द वाले सिर्फ, तुम्हारे पेन तो नहीं है तो तुम करते रहो, जो 20 प्लस है वो ये दर्द करेंगे और वैसे अब पैर थक गए, फिर से एक एक्सरसाइज नहीं, पैर को रिलैक्स करने के लिए लाइक ताड़ासन पूरा फायदा। राइट ट्विस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाँ जी ये ममता जी जो आप कह रहे हो शोल्डर पेन के लिए, 100% ये शोल्डर पेन के लिए है। ये हमने देखिए शोल्डर खुले दिखाई, पलट के दिखाओ एक बार, ये जिन्होंने पूछा है शोल्डर पेन के लिए, देखिए शोल्डर ये थोड़ा सा इसके राउंडेड है। अब हाथ ऊपर करो, ये देखो ये चीज दिखाई दे रही है ये, और फिर धीरे से हमारा ट्विस्ट किया तो हमारे अपर बॉडी का पूरा पोस्चर इंप्रूव होगा। 1 और फिर अगर मेरा राइट ट्विस्ट है तो लेफ्ट पैर, फिर लेकिन खाली 2-4 बार करने से काम नहीं चलेगा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कम से कम 50 बार करना पड़ेगा आपको, करते रहिए 2-4 बार और कीजिए। हो गए 20 मिनट ये पूरे, हाँ जी 20 मिनट हो गए, अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत अच्छा साथ दिया आपने बिल्कुल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
20 मिनट का वर्कआउट जो आपके थाई फैट, बेली फैट, ऑल ओवर बॉडी फिटनेस के लिए मॉर्निंग टाइम्स में, बस इसे आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो 20 सेकेंड से ज़्यादा ना करें, और एडवांस लेवल 45 सेकेंड्स। ठीक है, ये था लाइव हमारा टेलीकास्ट। लेकिन इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि अपलोड करें हम 20 मिनट का वर्कआउट, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, फिर सोचते हैं, नहीं तो सुबह शाम आते ही रहते हैं कितनी वीडियो हम अपलोड करेंगे। बेचारा यूट्यूब भी कहेगा ये सुबह शाम दोनों टाइम आ जाते हैं। तो ये आप सबकी सुविधा के लिए, जो लोग कमेंट करते हैं कि 20-20 किलो वजन कम किया है। ठीक है, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, अंतस्योग। अब लेटो, लेटने वाली बेली फैट की बताऊंगी।